नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं सोनू। रीवा में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी वार्ष्णेय के मार्गदर्शन एवं अहमद रजा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में विगत दिवस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एडीआर भवन में बुद्धदेव कर्मासकर विरुद्ध पश्चिम बंगाल शासन पॉक्सो अधिनियम एवं किशोर न्याय अधिनियम विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में आरईएचओ एवं केकेएससीएफ संस्थाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अहमद रजा रहे। विशिष्ट अतिथि किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट नीलिमा देवदत्त रही। कार्यशाला में रजा ने सेक्स वर्करों एवं उनके परिवार के लिए प्रस्तावित पुनर्वास संबंधित स्टेक होल्डर्स की जानकारी दी। प्रधान मजिस्ट्रेट नीलिमा देवदत्त ने किशोर न्याय अधिनियम के बारे में जानकारी दी। जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा ने निःशुल्क विधिक सहायता योजना के बारे में जानकारी दी। जिला अभियोजन अधिकारी रमेंद्र सिंह ने पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन राजश्री सिंह एवं धर्मेंद्र कुमार नापित ने किया। कार्यशाला में जेजेबी ममता मिश्रा एवं मीनाक्षी मिश्रा अध्यक्ष सीडब्ल्यूसी, ममता सिंह सदस्य सीडब्ल्यूसी, केपी शर्मा, लाल योगेंद्र सिंह, सीमा श्रीवास्तव, रंजना शर्मा, एडीपीओ मनोज तिवारी, एसजेपीयू नवीन तिवारी, परिवीक्षा अधिकारी अनिल पांडे, महिला थाना प्रभारी निशा मिश्रा, महिला प्रकोष्ठ प्रभारी उषा सिंह, आसिफ खान, अजाक थाना प्रभारी सुशीला वर्मा एवं शहर के सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारी उपस्थित रहे।